जख्मी दिल की दास्ता किसको सुनाए, दिल के जख्म हाय किसको दिखाए। दुआ जो करेगा किसी के लिए, इबादत यही है खुदा के लिए। हे कवि, मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है, दशा और दिशा बदल दे कलम तेरी भाग्य विधाता है। हम जाने का नहीं बस बदल जाने का है, नहीं चाहिए कोई मोहब्बत। खैर प्यार ने इतना रुलाया नींद मेरी उड़ गई। प्यार ने इतना रुलाया नींद मेरी उड़ गई, इंतजार में तेरी आंखें खुली की खुली रह गई इंतजार में। ओहो, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मिल सके लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आपको भी रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, क्योंकि महफिल में जो शायर होते हैं मैं लाती हूँ चुन चुन के, जिस तरह से फूलों को हम संजोते हैं एक गुलदस्ते में, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, अलग अलग पुष्प सजे होते हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग मिजाज के, कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं दुनिया, कहीं खुद की बात करने की बात होती है, यानी कहीं प्यार की बात होगी, कहीं विरह की बात होगी, कहीं मिलन होगा तो कहीं दिल की बात होगी, तो कहीं दुनियादारी की बात होगी। शायर का अपना अपना ख्याल है, अपना अपना अंदाज़ है, और कुछ इसी अंदाज के शायर आज हमारे साथ हैं दोस्तों। और गज़लों के साथ साथ कविताएं भी जो हैं अपने दिल की बात, कविताएं भी एक ऐसा ज़रिया है जिससे दिल की बात कही जा सकती है, क्योंकि कविता और गज़ल और नज़्म तीनों ही बहनें हैं और सबका अपने यात्रा है। और गज़ल तो कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर है, और बड़े सीधे, बड़े सलीके से और बड़े कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है, और उस इसी अंदाज के शायर हमारे साथ बैठे हैं। और दोस्तों, सूरज जो है वो संसार का अंधेरा दूर करता है, लेकिन शायरी यानी शेर जो होते हैं या ये जो साहित्य होता है ये मन का अंधेरा दूर करता है, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। कुछ ऐसे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं जो हमें हौसला देते हैं, ज़िंदगी के ऐसे यथार्थ हमें देखने को मिलते हैं जो हमें सीख देते हैं। तो साहित्य जो है मन का अंधेरा दूर करता है, शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नज़्म के माध्यम से भी। और आज हमारे शायर तैयार बैठे हैं आपके दिल को लूटने के लिए, और मैं तो यही कहूँगी कि है अंधेरा बहुत, आओ रोशनी करें, नज़मों से, गीतों से, शायरी से ये महफिल रोशन करें। तो रोशन करते हैं, परिचय से करते हैं दोस्तों। तो आपको तो पता ही है इस अंदाज का कि गज़ल से पहले हम सभी का परिचय करवाते हैं, ताकि आप इनके चेहरे के साथ साथ इनके नाम से भी वाकिफ हो जाएं। तो बगैर देर किए आती हूँ सीधा अपने मकाम पर, और सबसे पहले तारुफ़ कराती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठी है, बड़ी प्यारी और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, देख रहे हैं आप, कुछ अलग ही अंदाज है इनका, पर्सनालिटी है जी। बात कर रही हूँ अंजू शर्मा जी की, आप करनाल से हैं जी। और दोस्तों, अंजू जी के बाद थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे, खिलखिलाता एक और चेहरा है हमारे शायर जो है ना, ये मस्त मौला होते हैं, इनके चेहरे पर वैसे ही एक हल्की सी मुस्कान तो हमेशा उभरी रहती है। बात कर रही हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी की, आप भी करनाल से। और दोस्तों, अंजू जी और कांता जी के बाद अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं, जहाँ पर चांद निकला हुआ है। जी हाँ, बात कर रही हूँ चांद कश्यप साहब की, आप भी करनाल से हैं। और दोस्तों, जब चांद के दर्शन हो गए हैं तो चांद के बाद आते हैं शिव भगवान, तो हम भी कहेंगे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी बैठे हैं। नमस्कार जी। तो हमारे पास चांद भी है, शिव भी है, अंजू जी भी हैं और कांता जी भी हैं, यानी हमारा आसमान जो है, जस टीवी का प्रांगण पूरा चमक उठा है, खिल उठा है, महक उठा है आपकी आमद से। और तो दोस्तों, परिचय हो गया है, और हरियाणा की सरजमी से शायर हैं, हरियाणा के आसपास पानीपत तक के भी हमारे पास शायर हैं, और आपने देखा होगा कि महफिल मुशायरा में ये मंजिल, ये सफ़र और लंबा होता जा रहा है, दूर दूर से आते हैं शायर, और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको इंतज़ार होता है महफिल मुशायरे का। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आमंत्रित करती हूँ बड़े प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत के साथ मैं अंजू शर्मा जी को। और अंजू जी का मैं परिचय
बड़े कम शब्दों में दे पाऊंगी, गागर में सागर भरने जैसा है, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इतना ज़्यादा प्रचलित है, इतना ज़्यादा विख्यात है कि कम शब्दों में कहना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि समाज सेविका है, अनेकों एनजीओस के साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है और गज़ल नज़्म कविता कहती हैं, साहित्य का जाना माना नाम है और बहुत ही खूबसूरत कलाम कहती हैं और बड़े बड़े मंचों पर पढ़ती हैं, टीवी रेडियो पर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और प्रसारित भी होती रहती हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, आपकी रचनाएं कलाम हमेशा साया रहते हैं और मैं आपको दावत सुखन देती हूँ दोस्तों, इन्हीं की गज़ल एक शेर के साथ मैं इनको दावत सुखन देती हूँ, देखिएगा क्या कहती हैं। कहती हैं कि जख्मी दिल की दास्तां किसको सुनाएं, जख्मी दिल की दास्तां किसको सुनाएं, दिल के जख्म हाय किसको दिखाएं, भाई हमारे जस्ट टीवी के दर्शकों को दिखाएं, तैयार बैठे हैं वो भी। जी स्वागत है, दुआ करूं? जी, दुआ जो करेगा किसी के लिए, दुआ जो करेगा किसी के लिए, इबादत यही है खुदा के लिए, इबादत यही है खुदा के लिए, मिलती है खुशियाँ सदा ही उसे, मिलती है खुशियाँ सदा ही उसे, दुआ ही उसकी हिफाजत करे, दुआ ही उसकी हिफाजत करे, सबको दुआ में जो शामिल करे, खुले दर जन्नत के उसके लिए, खुले दर जन्नत के उसके लिए, दुआ जो करेगा किसी के लिए, वक्ते गर्दिश जो काम आए, वक्ते गर्दिश जो काम आए, जब हौसले पस्त हो जाए, जब हौसले पस्त हो जाए, रखो यकीन तब उसी पर तुम, रखो यकीन तब उसी पर तुम, बरसेगी रहमत तुम्हारे लिए, बरसेगी रहमत तुम्हारे लिए, दुआ जो करेगा किसी के लिए, जिंदगी हो जाए बेरंग जब, जिंदगी हो जाए बेरंग जब, दुआ तब किसी की लाती है रंग, दुआ तब किसी की लाती है रंग, वक्त तुम्हारा बदल जाएगा, वक्त तुम्हारा बदल जाएगा, करो तुम दुआ बेजुबा के लिए, करो तुम दुआ बेजुबा के लिए, कभी ना किसी को दो बद्दुआ, कभी ना किसी को दो बद्दुआ, वरना आंसू मिलेंगे तुम्हें, वरना आंसू मिलेंगे तुम्हें, जुबां को शीरी रखो जरा, जुबां को शीरी रखो जरा, बुरा ना कहना किसी के लिए, बुरा ना कहना किसी के लिए, मुकद्दर तुम्हारा बदल देगी ये, मुकद्दर तुम्हारा बदल देगी ये, फर्श को भी अर्श कर देगी ये, फर्श को भी अर्श कर देगी ये, सुनने वाला वही है खुदा, सुनने वाला वही है खुदा, मांगो खुशियाँ सभी के लिए, मांगो खुशियाँ सभी के लिए, दुआ जो करेगा
किसी के लिए इबादत यही है, खुदा के लिए इबादत यही है, खुदा के लिए। दोस्तों दुआ में बहुत असर होता है, बहुत ही ज्यादा असर होता है। तभी तो क्या खूब कहे किसी शायर ने कि हो दुआ या बददुआ बेअसर जाती नहीं, काम करती है मगर हमको नजर आती नहीं। और मतलब काम करती है मगर हमको नजर आती नहीं, और जा चुके जो उनको अपनों की खबर हो या ना हो, लेकिन हमको उनकी अब कोई खबर आती नहीं। और बहुत खूबसूरत कलाम मैम, बहुत बढ़िया। और दुआ दूसरों के लिए भी कीजिए, और जब दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन हमारे लिए भी कुछ न कुछ सही ही होगा। अब आपने अंजू शर्मा जी से दुआ के रूप में एक मुकम्मल रचना सुनी, और अब हम आते हैं हमारी प्यारी सखी, हमारी बहुत ही जैसे इनके चेहरों पर अधरों पर मुस्कान है वैसे इनकी रचनाएँ हैं जी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी की, और आप जो हैं सरकारी कॉलेज में, अब जो हैं आप राजनीतिक विज्ञान के लेक्चरर हैं, समाज सेविका हैं, नज्म गीत कविता तमाम विधाओं पर आपकी कलम चलती है। आप भी टीवी पर, रेडियो पर और अखबारों में जहाँ भी प्रकाशन और प्रसारित होने के माध्यम है सब जगह आपकी रचनाएं, लेख आलेख प्रकाशित होते हैं, और साहित्य जगत का जाना माना नाम है। और आपको भी बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार से, मोहब्बत से आवाज़ लगाती हूँ, लेकिन आपकी शायरी के साथ नहीं, आपके अंदाज के साथ, कि ये जो आपकी जुल्फे हैं बार बार गालों पर आ रही हैं और आप उनको फिर पीछे कर देती हैं, तो जी चाहता है आपके लिए कह दूं कि बड़ी चालाकी से तुम्हारे गालों को चूम लेती है, बड़ी चालाकी से तुम्हारे गालों को चूम लेती है, तुमने भी इन जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। तो जी हाँ, स्वागत है कांता जी। धन्यवाद बहन जी, सखी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं ओज़ की आह्वान की जागरण की कवियत्री हूँ जी, और आज जस्ट टीवी के माध्यम से अपनी इस कविता जी के द्वारा कवियों को आह्वान करूँगी जी। हे कवि, हे कवि, मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है। हे कवि, मैंने सुना है तू राष्ट्र निर्माता है, दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है। हे कवि, मैंने सुना तू राष्ट्र निर्माता है, दशा और दिशा बदल दे, कलम तेरी भाग्य विधाता है। मगर बेटियों के मुद्दे पर, मगर बेटियों के मुद्दे पर लेखनी तेरी बर्फसी हो गई। क्या बात है। मगर बेटियों के मुद्दे पर लेखनी तेरी बर्फसी हो गई, तभी तो अम्मा की कोख भी उनके लिए नरकसी हो गई। नरकसी हो गई। घुंघरू पायल छोड़ गर जुमलों से बाहर तू आता। घुंघरू पायल छोड़ गर जुमलों से बाहर तू आता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्यों मोदी अभियान चलाता। आगाज अंदाज अंजाम और क्या देखना बाकी है। आगाज अंदाज अंजाम और क्या देखना बाकी है, वही नोच रहे देखो जिनकी कलाई में राखी है। क्या बात है, वाह। वही नोच रहे देखो, बहुत कड़वा सच है, जिनकी कलाई में राखी है। कवि मौन फिर सुने कौन हर आंचल में सन्नाटा है। निर्भया जैसे कांड कलम तेरी पर चाटा है। अब भी वक्त है, जस्ट टीवी के माध्यम से कह रही हूँ कि अब भी वक्त है आह्वान मेरा है तुझसे। अब भी वक्त है, आह्वान मेरा है तुझसे, परशुराम बनने का वादा कर ले तू खुद से। और समाज की सोच से, गौर कीजिएगा कि समाज की सोच से सोच को मिटाकर, समाज की सोच से सोच को मिटाकर स्वच्छता की तू अलख तो जगा दे। वेदना और वासना से जंग ये निराली है, जीतने को लेखनी पर तू धार तो लगा ले। अरे अलख तो जगा दे। बहुत खूब कांता जी। देखिए दोस्तों, यहाँ लेखक ये भी कहता है कि भाई अलख जगा ले, लेकिन सही मायने में देखा जाए दोस्तों तो अलख जगा ही रखी है।
जब कांता जी ने आह्वान कर ही दिया है तो फिर कहाँ कमी रह गई है। बहुत खूब, और समाज को जागरूक करती हुई कविताओं का लेखन पठन भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम समाज के लिए जो है उसके सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। और दोस्तों अब आते हैं चांद की ओर, वो चांद जो हमारे आज आंगन में उतरा है। जी बात कर रहे हैं लेकिन करनाल से उतरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चांद कश्यप साहब की। और आप एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं करनाल में, और आप भी नज्म गज़ल कविता कहते हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम जो हैं आयोजित करते हैं। अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है साहित्य जगत का। और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में है, दिल से उनका स्वागत करते हैं। और उन्हीं के शेर से मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। देखिएगा अंजू जी क्या कहते हैं चांद साहब। एक शेर से शायर का मिजाज समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि उसकी आगोश में ठहर आया था, उसके आगोश में ठहर आया था, ना लौट के वो पहर आया था, अपनी जगह लौट गया वो परिंदा, अपनी जगह लौट गया वो परिंदा, जो कुछ लम्बे मेरे शहर आया था। तो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज के साथ मैं कहती हूँ दिल की बात कह रहे हैं वो परिंदा, भगवान करे उनको फिर से मिले। स्वागत है चांद साहब। धन्यवाद सखी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आइए एक शेर के साथ अभी से आप सभी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि सभी से ना कीजिए बात, सभी से ना कीजिए बात जज्बात के साथ, सभी से ना कीजिए बात जज्बात के साथ, गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ। क्या बात है, गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, कि गम जाने का नहीं बस बदल जाने का है, गम जाने का नहीं बस बदल जाने का है, नहीं चाहिए कोई मोहब्बत खैरात के साथ। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो मोहब्बत ही क्या जो खैरात में मिले, तो दीवानापन तो बहुत जरूरी है। जी सखी जी, एक आपको गजल के एक मतलब कुछ शेर आपके खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कि भवरे ने गुल में सिमट कर देखा था। अच्छा जी, भवरे ने गुल में सिमट कर देखा था, नींद में भी तुम्हें उचट कर देखा था। कि भवरे ने गुल में सिमट कर देखा था, नींद में भी तुम्हें उचट कर देखा था, और मैं आज भी उसके दिल में धड़कता हूँ कि जाते जाते उसने पलट कर देखा। क्या बात है, कि जाते जाते उसने पलट कर देखा था, और बिखरी रहती थी जो कभी उसके रुखसार पर, बिखरी रहती थी जो कभी उसके रुखसार पर, मैंने उन जुल्फों को सुलट कर देखा था। क्या बात है, मैंने उन जुल्फों को सुलट कर देखा था, और जहां कभी जज्बात में लिखे थे नाम, जहां कभी जज्बात में लिखे थे नाम, आज उस पेड़ से लिपट कर देखा था। क्या बात है, सभी का बहुत बहुत आभार। चंद पंक्तियां कहने का सुअवसर दिया, मौका दिया, बहुत अच्छा। जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस कलाम के बाद ख्याल आता है कि कभी लिखा था कि भाई क्यों ना मैं रातों में उठ उठ के देखूं, क्यों ना मैं रातों में उठ उठ के देखूं, चांद सा महबूब है मेरा। तो भाई जब चांद सा महबूब हो तो पेड़ पर भी लिखे नामों में भी वो पेड़ कहाँ नजर आएगा जिसे महबूब का नाम लिखा है, वो लगता है कि महबूब ही खड़ा है। तो दीवानों की दीवानगी की हद का आलम होता है कि उनको उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। और कहते हैं कि कहाँ रखूं मैं ये तेरी याद के चिराग को, कहाँ रखूं मैं तेरी याद के चिराग को, कि हथेली भी ना जले और दिल भी रोशन रहे। तो कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं। और दोस्तों शायरी यही है, सीधे दिल की बात कहते हैं, दिल तक पहुंचती है, दिमाग का तो कोई काम ही नहीं शायरी में, क्योंकि दिल से दिल की बात का रिश्ता होती है। कम शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी बात कह दी है चांद साहब ने। और कोई और ख्याल है, अगर आपके पास समय है तो मैं पढ़ देता हूँ एक शेर, और उसके बाद अगर आप इजाजत देंगे मुझे। स्वागत है। कि कुछ इस तरह से फना हो जाऊं,
कुछ इस तरह से फना हो जाऊं, तुम मुझ में महके मैं हवा हो जाऊं। क्या बात है। कुछ इस तरह से फना हो जाऊं, तुम मुझ में महके मैं हवा हो जाऊं, और रात भर चिराग सा जलूं तेरी महफिल में, रात भर चिराग सा जलूं तेरी महफिल में, सुबह तू मुझे छुए तो मैं धुआं हो जाऊं। क्या बात है। सुबह तू मुझे छुए तो मैं धुआं हो जाऊं। अगर आप इजाजत दें। कविताओं का दौर जारी है और बहुत ही खूबसूरत कहते हैं कि पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब हम आ पहुंचे हैं। बिल्कुल हमारे सीनियर शायर हैं, बहुत साहित्य के वट वृक्ष हैं, संरक्षण करते हैं साहित्य के, पौध को लगाते हैं और बड़े बड़े आयोजन करते हैं साहित्य के। बात कर रही हूँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी की, और आप निदेशक रहे हैं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में, और साथ ही साहित्यिक सम्मेलन करते हैं, खुद भी लिखते हैं और इशम्मा को रोशन किए हुए हैं। ना जाने कितनी संस्थाओं के आप संरक्षक हैं, आयोजक हैं, और एक काफिला लेकर चल रहे हैं, शहर का जाना माना नाम है। तो मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। कहते हैं कि तीरगी इतनी बड़ी रोशन कम रह गई, तीरगी इतनी बड़ी रोशनी कम रह गई, दिल रोया जार जार, आंख खुश्क रह गई। अब देखें ऐसा क्यों हुआ, ये तो शिव कुमार साहब बताएंगे। जी जनाब। तीरगी इतनी बड़ी रोशनी कम रह गई, दिल रोया जार जार, आंख खुश रह गई। क्या बात है। बहुत बढ़िया। प्यार ने इतना रुलाया, नींद मेरी उड़ गई। प्यार ने इतना रुलाया, क्या नींद मेरी उड़ गई। इंतजार में तेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इंतजार में ओहो, दौलत बाजार में प्यार मेरा बिक गया। दौलत बाजार में प्यार मेरा बिक गया, सिक्कों की खनक में मोहब्बत दबके रह गई। सिक्कों की खनक में मोहब्बत दबके रह गई, उसकी शोक अदाओं ने यूं मुझे दीवाना बनाया है। क्या बात, क्या बात है। ये किनको नजर किया आपने शेर, किन से मुखातिब है, किनको नजर किया आपने ये शेर, ये तो नाम लीजिए ना। नजर में। जी जी। उसकी शोक अदाओं ने यूं दीवाना मुझे बनाया है, मोहब्बत मेरी बस एक अफसाना बन के रहे। क्या बात। अरे ये बड़ा गलत किया उन्होंने जिनसे मुखातिब है। अफसाना बन क्या बात है। वाह। चंद शेर जी और पेश करना चाहूंगा। जी जी स्वागत। तुझे अपना बनाने को जी चाहता है। क्या बात है। तुझे अपना बनाने को जी चाहता है। तुझे अपना बनाने को जी चाहता है, शोक अदाओं पे मर जाने को जी चाहता है। क्या बात है। क्या बात, मर जावा। वाह। शोक अदाओं पे मर जाने को जी चाहता है, नजर ना लग जाए तुझे जमाने की कहीं। क्या बात है। वाह। नजर लग ना जाए तुझे कहीं, नजर ना लग जाए तुझे जमाने की कहीं, तुझे आंखों में छिपाने को जी चाहता। क्या बात है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत खूब। संगे मरमर सा तराशा ये तेरा बदन। क्या बात है। वाह बहुत खूब। संगे मरमर सा तराशा तेरा ये बदन, तुझे तुझसे लिपट जाने को जी चाहिए। लिपट जाने को बहुत युवा शायरी है जनाब, बहुत युवा शायरी। कुदरत का खूबसूरत मुजस्मा हो तुम। कुदरत का खूबसूरत मुजस्मा हो तुम, तेरी बाहों में समाने को झूल जाने को। अच्छा, जी झूलना झूलने को, झूल जाने को जी चाहता है। देखिए दोस्तों कौन कहता है, कहते हैं कि शायरी जितना उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है शायरी उतनी जवां होती जाती है, ये शायरी का खास असर होता है। कहते हैं इंसान जितना वरिष्ठ होता है शायरी उतनी युवा होती है, और हमारे वरिष्ठ शायर से युवा शायरी का लुत्फ आपने ले लिया होगा। दोस्तों बहुत खूब, बहुत खूब। और अब आते हैं हम फिर से अंजू शर्मा जी की ओर। जी अंजू जी स्वागत है। मैं अभी अपनी एक गजल
पेश करना चाहूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ शिव कुमार साहब कि आपकी गजल का मिजाज अलग है, लेकिन आपका मिजाज देख के लगता नहीं है आप लुटे पिटे और बर्बाद हुई हस्ती नहीं लगती, पूरी तरह से आबाद हैं आप। जी स्वागत है अंजू जी। जिससे शिद्दत से चाहा मैंने मुझसे दूर हो गई। अच्छा। जिसे शिद्दत से चाहा मैंने मुझसे दूर हो गई, लगा यूं जिंदगी मेरी बड़ी बेनूर हो गई, लगा यूं जिंदगी मेरी बड़ी बेनूर हो गई। मोहब्बत में हुआ हासिल जरा क्या कोई बतलाए, मोहब्बत में हुआ हासिल जरा क्या कोई बतलाए, वो अपने हुस्न पे कुछ और ही मगरूर हो गई, वो अपने हुस्न पे कुछ और ही मगरूर हो गई। बदन जिसका हो चंदन सा हो खुशबू गुलाबों सी, बदन जिसका हो चंदन सा हो खुशबू गुलाबों सी, आंखें मस्त मैं खाना जुल्फ जंजीर हो गई, आंखें मस्त मैं खाना जुल्फ जंजीर हो गई। कत्ल जिसका हुआ मेरा जिसके हाथों से, कत्ल हुआ मेरा जिसके हाथों से, आज तस्वीर उसकी भी चकनाचूर हो गई, आज तस्वीर उसकी भी चकनाचूर हो गई। मोहब्बत ही गम देती है तो दुनिया है बड़ी सुंदर दिल में प्रीत तुम रखना, दुनिया है बड़ी सुंदर दिल में प्रीत तुम रखना, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं न समझो दूर हो गई, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं न समझो दूर हो गई। मोहब्बत का दिया है गम तुमको मैं ही समझाऊं, इश्क हुस्न कह रहा है, मोहब्बत का दिया है गम तुमको मैं ही समझाऊं, तेरा गम दिल में है, तेरा गम दिल में है समझो ना मैं बेपीर हो गई, तेरा गम दिल में है समझो ना मैं बेपीर हो गई, लगायू जिंदगी मेरी बड़ी बेनूर हो गई। क्या बात। जिसे शिद्दत से चाहा मैंने मुझसे दूर हो गई। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब दोस्तों। दूर हो या पास हो, बात तो एहसास की है कि मैडम कह रहे हैं कि दूर हो गई, पर कहाँ दूर है, बातों में, ख्यालों में, जज्बातों में, तमाम चीज़ें जो हैं उसे भूलने कहाँ देती हैं। तभी तो क्या खूबसूरत शेर है चांद साहब, देखिएगा, कहते हैं कि यूं तो हमने बंद कर लिए तमाम दरवाजे तेरी यादों के, यूं तो हमने बंद कर दिए तमाम दरवाजे तेरी यादों के, फिर भी तेरी यादें हैं कि दरारों से आ जाती हैं, फिर भी तेरी यादें हैं कि दरारों से आ जाती हैं, कितने भी दरवाजे बंद कर लो वो जो छोटी छोटी जो दरवाजे की चितरने हैं उसमें से किरणें आ ही जाती हैं प्रेम की। बहुत खूब। और दोस्तों गजल पूरे शबाब पर है और तरन्नुम में भी अब पूरा निखार आ गया है और आप देख रहे हैं चेहरे खिले खिले से हैं, कहीं तन्हाई की बात है, कहीं जुदाई की बात है, कहीं चांद आंगन में उतरा है, तो कहीं पर जो है हमारी मैडम बड़े प्यार मोहब्बत से हमें गाँव की ओर ले जा रही है। बात कर रही हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी की और उनको मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। और इनके पास एक ऐसी खूबसूरत कविता है जो मुझे दिल से बहुत करीब, मेरे दिल के करीब है और मैं कहूँगी वही कविता का पाठ करें। एक हरियाणवी कविता के लिए आपको आग्रह है कांता जी। जी, सखी ने निवेदन किया हरियाणवी कविता के लिए। जी, और वैसे भी हरियाणवी कविता होनी चाहिए। नहीं, फिर एक चीज़ हो रही है, मैं भी थोड़ा बोलती हूँ, जब हरियाणा के सारे कवि यार इकट्ठे हो लिए तो हरियाणवी कविता क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो बना है, चार को होगी तो चार सुना देंगे जी, कोई बात नहीं। स्वागत। इस वजह से भी बनती है हरियाणवी कविता क्योंकि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ये स्टूडियो है और यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो पूरे विश्व में हरियाणा की आवाज जानी चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी
कि चारों तरफ जय माता की जय माता की हो रही है, पर वृद आश्रम में बैठी है किसकी माँ रो रही है। अच्छा। बस यहीं से इस कविता का जन्म होता है सखी। तो मैंने सुनिए सीधा कविता पर आती हूँ। जब बिना किसे बात के, जब बिना किसे बात के राजू की बहू सिर पे चढ़ गई। रोहतक वाला अंदाज ले आऊं मैं, बिल्कुल। जब बिना किसे बात के राजू की बहू सिर पे चढ़ गई, मर जाने मिट जाने कहती हुई, मर जाने मिट जाने कहती हुई, ताऊ मांगे की खटोली घेर में पटक गई। जब बिना किसे बात के राजू की बहू सिर पे चढ़ गई, मर जाने मिट जाने कहती हुई, ताऊ मांगे की खटोली घेर में पटक गई। टूटी खाट, टूटी खाट कांपता गात, टूटी खाट कांपता गात, ताऊ मांगे की हालत देख के मेरी बेचैनी बढ़ गई। क्या बात है। टूटी खाट कांपता गात, ताऊ मांगे की हालत देख के मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं सोचन लगी किसा घर परिवार यो समाज हो गया। मैं सोचन लगी किसा घर परिवार यो समाज हो गया, छोटे बड़े की लाज शर्म हर रिश्ता नाता खो गया। क्या बात है। जिस ताऊ मांगे की सखी बहन, जिस ताऊ मांगे की कदे गाम गवांडा में साख होया कर दी। जिस ताऊ मांगे की कदे गाम गवांडा में साख होया कर दी, रोब रुतबे की जिसकी खाप पंचायता में बात होया कर दी। जिस ताऊ मांगे की कदे गाम गवांडा में साख होया कर दी, रोब रुतबे की जिसकी खाप पंचायता में बात होया करती। अफसर नेता जिसके आगे सलाम ठोक्या करता, अफसर नेता जिसके आगे सलाम ठोक्या करता, और गरीब बाण बेटियां के जो ब्याह छुच्छ कर बात भर दिया करता। क्या बात है। आज वो है ताऊ मांगे, गौर करना, आज वो है ताऊ मांगे रोटी पानी ने मोहताज हो गया। आज वो है ताऊ मांगे रोटी पानी ने मोहताज हो गया, क्योंकि उसका बेटा राजू अपनी जोरू का गुलाम हो गया। अपनी जोरू का गुलाम हो गया, अपनी जोरू का गुलाम। बहुत अच्छे कांता जी। आज के ताजा हालात पे आजकल जो हो रहा है, कहते हैं कि हर घर की स्थिति तो एक नहीं है, घर में अभी भी श्रवण कुमार भी है, लेकिन किसी घर में इस तरह के कुपुत्र भी हैं, जहाँ सुपुत्र हैं तो कुपुत्र भी हैं। खैर, लेकिन जो कुपुत्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक सीख के तौर पर ये कविता है। अगर उनके कानों तक पड़े तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव तो आना चाहिए, और जहाँ की कहानी है ना उन तक पहुँचा दीजिएगा। बदलाव के लिए ही मैंने पढ़ा। बहुत खूबसूरत कविता जी। और अब हम चांद जी की ओर आते हैं जी। बात करें चांद का शब्द जी की गजल कहते हैं, और मैं उनको फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए जी। एक गजल का मतलब और चंद अशआर आपकी पेशकश है। कहते हैं कि जीने का मेरे कोई तो बहाना बाकी था, जीने का मेरे कोई तो बहाना बाकी था, शायद के जिंदगी में तेरा आना बाकी था, शायद के जिंदगी में तेरा आना बाकी था, उम्मीद ना थी मुझको कोई सिवाय मौत के, उम्मीद ना थी मुझको कोई सिवाय मौत के, मरने से पहले मेरा मुस्कुराना बाकी था, मरने से पहले मेरा मुस्कुराना बाकी था। सखी जी, ये शेर आपके साथ। मुस्कुराने के बाद कोई मरना क्यों चाहेगा। लास्ट में एक बार इंसान सोचता है कि मरते मरते मुस्कुरा ले। शेर आपके सुनिए सर। आंगन में मेरे पंछियों का शोर था बहुत, आंगन में मेरे पंछियों का शोर था बहुत, कफस से शायद पंछी कोई उड़ाना बाकी था, कफस से शायद पंछी कोई उड़ाना बाकी था। और अंतिम बंद में आपके आखिर बंद कह रहा हूँ कि कातिल को अपने जीने की दुआएं दी हैं, कातिल को अपने जीने की दुआएं दी हैं, उससे हिसाब चांद कुछ पुराना बाकी था, उससे हिसाब चांद कुछ पुराना बाकी था। तो ये गजल आपके बहुत ही खूब। आइए, मैं अब आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना कलाम की पेशकश की है,
और हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की धुरी के रूप में हम सबको चला रही हैं, इस कार्यक्रम की संचालिका, आज के कार्यक्रम की जो मन संचालिका हैं, हमारे बीच में डॉक्टर उर्मिल सखी जी हैं। बहुत बड़ा नाम और मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा कद बहुत छोटा है। नहीं, आइए, बिल्कुल छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। आइए उनको दावते सुकून देने के लिए मंच पर आए। आप उनको बहुत सुनते हैं और हमारा बहुत स्नेह और लगाव है। मैं चाहता हूँ कि मैम से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप आए और अपना कलाम, आपकी जो पेशकश है, हम बेकरार हैं आपको सुनने। जी, बहुत शुक्रिया चांद साहब। और जैसे कि आपने कहा कि आप मेरे आगे बहुत छोटे हैं, तो आप मुझे मतलब माँ का दर्जा देना चाहते हैं। इंसान के जो गुण है उनके जो बहुत जी आपका प्यार मैं समझ सकती हूँ, आपकी अभिव्यक्ति मेरे दिल तक पहुँच गई, आप जो कहना चाहते हैं। जी देखिए दोस्तों, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि बहन जो होती है, चाहे उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, उसका जो मान सम्मान है, उसका रुतबा जो है, भाई के लिए माँ के समान ही जैसा हो जाता है। बिल्कुल, और ये जो है कुरुक्षेत्र करनाल वाले लोग हैं, इनको भी अपनी बहनों में एकदम माँ नजर आती है, तो इनका संबोधन भी कुछ वैसा ही हो जाता है। जी, कविता हाजिर है दोस्तों, और देखिएगा कविता का शीर्षक है जिंदगी और मैं। माही जी ध्यान चाहती हूँ। मुझे बहुत आसान लगती है जिंदगी, मुझे बहुत आसान लगती है जिंदगी अपनी, मैंने कभी कल्पना करना नहीं छोड़ा। मैंने कभी कल्पना करना नहीं छोड़ा, ख्यालों के घोड़ों पर सवार मैं हर पल बुनती हूँ ख्वाब। हर पल बुनती हूँ ख्वाब, कई बार वक्त मेरे ख्यालों के फंदे उधेड़ देता है। कई बार वक्त मेरे ख्यालों के फंदे उधेड़ देता है, मगर मैं हौसलों की सलाई से फिर बुन देती हूँ कोई ख्वाब। क्या फिर बुन देती हूँ कोई ख्वाब। जिंदगी को बदनाम करने की भी आदत मुझे नहीं, बहुत मुझे तो मासूम बच्चे सी लगती है जिंदगी। क्या बात, बहुत सुंदर। अपने कर्मों का भार नहीं डालती मैं जिंदगी के कंधों पर। अपने कर्मों का भार नहीं डालती मैं जिंदगी के कंधों पर, मैं आसान रखती हूँ उसे। कोई दाव पेच नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई दगा नहीं, क्या बात, कोई जफा नहीं। क्या बात है, क्या बात। अक्सर तनहा होते ही मैं अपनी जिंदगी को गुनगुनाती हूँ। अक्सर तनहा होते ही मैं अपनी जिंदगी को गुनगुनाती हूँ, संगीत लगाकर और भी मस्त हो जाती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी जिंदगी से जुड़े चंद मुट्ठी भर रिश्ते मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं। मेरी जिंदगी से जुड़े चंद मुट्ठी भर रिश्ते मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं, और फिर मेरी जिंदगी और महक उठती है। आगे ध्यान चाहती हूँ। कभी कांधों पर नहीं ढोया मैंने जिंदगी को। क्या बात, क्या बात। कभी कांधों पर नहीं ढोया मैंने जिंदगी को, बल्कि अपने कांधों पर बिठा जिंदगी मुझे दिखाती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या बात, दुनिया कितनी खूबसूरत है। जो चाहूं वो पाने का हुनर भी है मुझमें। जो चाहूं वो पाने का हुनर भी है मुझमें। मुश्किल राहों को चूम कर करती हूँ सजदा अपनी मंजिलों का, और अब कुछ मुश्किल लगता ही नहीं। और अब कुछ मुश्किल लगता ही नहीं, बहुत मुश्किल के हल होने के बाद। क्या बात, और अब कुछ मुश्किल लगता ही नहीं, बहुत मुश्किल के हल होने के बाद। और शायद उम्र की रस्सी से भी नहीं बांधा मैंने खुद को। शायद उम्र की रस्सी से भी नहीं बांधा मैंने खुद को कभी। युवा है मेरे सपने, युवा मैं भी हूँ, और युवा है मेरे जज्बात। हताश उदास होने का नहीं है बेवजह रोने का वक्त मेरे पास। इसीलिए शायद मैं सबसे अलग हूँ। मद मस्त हूँ, अलमस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। बहुत 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 बढ़िया सखी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं हमारे जो आज के मेहमान शायर हैं, कवि हैं, सभी का धन्यवाद कर देती हूँ। तो मैं इस सबसे पहले मैं जो है डॉक्टर शिव कुमार साहब का, कांता वर्मा जी का, और इधर हमारी अंजू जी बैठी हैं इनका, और चांद साहब, चांद कश्यप साहब, सभी जो है करनाल की पावन भूमि से हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में आए और बहुत खूबसूरत विचारों से, कविताओं से, गजलों से जो है हमारे दर्शकों का मन मोहा। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, फिर आएंगे लेकर एक और गुलदस्ता शायरी का,
और जाते जाते बस यही कहूंगी कि किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें और हम भी इसी तरह आते रहेंगे। अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। बहुत बहुत, बहुत।